चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब बटन हिट करें। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जो बायोलॉजी मॉक टेस्ट प्रीवियसली हमने अटेम्प्ट किया था उसके सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया और आप जस्ट ये सॉल्यूशन देख रहे हो तो इट इज स्टिल गुड अगर आप अभी भी उसको अटेम्प्ट करो तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो जब क्वेश्चन स्क्रीन पे अपियर करेंगे तो वीडियो को पॉज करके उनको अटेम्प्ट करना, चाहो तो लिख लो चाहो तो ओरली बोल लो क्योंकि बायोलॉजी तो मोस्टली ऑब्जेक्टिव ही होता है, बट जरूर अटेम्प्ट करना। और उसके बाद आप जब वीडियो को प्ले करोगे तो आगे मैं जो सॉल्यूशन बोलूंगा उससे अपने आंसर्स को टैली करना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में कहां पे आप कितना लैग कर रहे हो। सो लेट्स मूव ऑन इनटू द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट वन, थायरोक्सिन का फंक्शन होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करना, बेसल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना। सो बेसिकली आंसर होगा थायरोक्सिन। सेकंड क्वेश्चन, स्टैटिक बैलेंस के लिए होता है यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस, और वही अगर डायनामिक बैलेंस होता तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सब पार्ट थ्री, सॉल्युबल प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन और वही इनसॉल्युबल प्रोटीन होगा हम लोगों का फाइब्रिन, ठीक है ना, तो उसका इनसॉल्युबल वर्जन फाइब्रिन है। एक ही गैशियस प्लांट हार्मोन है वो है एथाइलीन, बाकी जो भी हार्मोन है उनका स्टेट का कोई मेंशन नहीं है। और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दिया हुआ है, सो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज ऑब्वियसली एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। यही अगर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दे देता तो हम लोग इसको डिफ्यूजन करार दे देते। क्वेश्चन टू, सॉरी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कब फास्ट होगा, जब वेदर हॉट होगा, जब वेदर ड्राई होगा और जब वेदर विंडी होगा। सो बेसिकली हम लोग का आंसर होगा पार्ट डी। इन टाइप के क्वेश्चंस में जो चूज द आंसर्स होता है इसमें बहुत स्पेसिफिकली क्या करना, पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेना, जैसे पार्ट बी लिख लिया, उसके बाद तुमने पार्ट वन मेंशन किया, उसके बाद तुम ऑप्शन नंबर मेंशन करोगे जैसे डी, ठीक है, तो और फिर वो डी लिख दो क्या है, ठीक है ना, खाली डी लिख के मत छोड़ना, इतना आलस ठीक नहीं है। अगर बाई एनी चांस कुछ इधर उधर कर दिया तुमने तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बट अगर वो पूरा लिखा तो टीचर उसको कंसिडर करेगा और तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर के साथ वो दोनों लिखना, तो जो क्वेश्चन में जो वो ऑप्शन गिवन है वो पूरा ऑप्शन लिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या होता है, साइटोकाइनिन का फंक्शन होता है सेल डिविजन, सेल एलोंगेशन। सो बेसिकली ये ग्रोइंग पार्ट में प्रेजेंट होगा, दैट इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू, तो सब आंसर है बी, मेरिस्टमैटिक टिश्यू। सेल में 5 क्रोमोसोम्स था और 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, और माइटोटिक डिवीजन के बाद ऑब्वियस सा बात है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेगा, मेयोसिस में हाफ हो जाता है, माइटोटिक में सेम रहता है, सो माइटोटिक डिवीजन में सेम रहेगा, तो 5 पेयर मतलब 10 क्रोमोसोम्स, तो हो गया बी 10 क्रोमोसोम्स। लर्निंग, लर्निंग इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली सेरिब्रम क्योंकि मेजर सारा काम सेरिब्रम ही करता है, लर्निंग, थिंकिंग, रिफ्लेक्स एक्शन एटसेट्रा, ठीक है ना, सिर्फ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का थोड़ा पार्शन हम लोगों का सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा को दिया गया है। नेक्स्ट इज मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर, तो ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरटल्स, उसके बाद क्रोमैग्नन और फाइनली होमो सेपियंस, तो सबसे प्रिमिटिव मतलब सबसे पहला वाला, सो दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्वेश्चन वन पार्ट सी, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को पैराग्राफ को रीकॉपी करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हर ब्लैंक के बगल में उसका नंबर दिया है तो तुम सिर्फ वो नंबर कॉपी करो और आंसर लिख दो, नंबर में कोई चेंज मत करना, नंबर जैसे एकदम जो डिजाइन दिया वही एकदम एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए। रोमन स्मॉल लेटर वन दिया तो रोमन स्मॉल लेटर वन ही लिखना, कुछ भी चेंजेस नहीं करना अपने हिसाब से। सो वॉटर एंटर्स द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ, पहला तो इच्छा था ऑस्मोसिस बट यहाँ पे एंडोस्मोसिस भी मेंशनड है और एंडोस्मोसिस इज अ बेटर आंसर, इसीलिए हम लोग एंडोस्मोसिस प्रेफर करेंगे, सेल के अंदर आता है इसलिए एंडोस्मोसिस, सेल के बाहर जाता तो एक्सोस्मोसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस दिस इज बिकॉज द सॉल्यूशन इन द सॉइल इज, सॉइल का सोल्यूशन में पक्का पानी ज्यादा होगा और अंदर जो सेल सैप है उसके सोल्यूशन में पानी कम होगा,
सो बाहर में अगर पानी ज्यादा है तो बाहर वाला हाइपोटोनिक, और अंदर में अगर पानी कम है तो अंदर वाला हाइपरटोनिक. सो द सॉल्यूशन इन द सॉइल इज हाइपोटोनिक, वेयर एज द सेल सैप इन द रूट हेयर सेल इज हाइपरटोनिक. द वॉटर देन पासिस थ्रू द डैश सेल्स, कॉर्टिकल सेल से पास करता है, ठीक है ना. तो ये हम लोग को टर्म याद रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली दिया हुआ है. कॉर्टिकल सेल्स बाई सेल टू सेल ऑस्मोसिस, अगर हम लोग पहले ऑस्मोसिस यूज कर लेते यहां फंस जाते, क्योंकि सेल टू सेल एंडो ऑस्मोसिस नहीं होता है. एक सेल से एक्सोस्मोसिस होता है, दूसरे से एंडो ऑस्मोसिस होता है, तो सेल टू सेल ऑस्मोसिस ही वर्ड आएगा. सो सेल टू सेल ऑस्मोसिस एंड रीचेस द जाइलम ऑफ द रूट. क्वेश्चन वन पार्ट डी. सो इसमें हम लोग सबका एग्जैक्ट लोकेशन बताना है. सबसे पहला है कॉर्पस कैलसम, तो ये कहां होता है, ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर के बीच होता है. सो इट्स प्रेजेंट बिटवीन द टू हेमिस्फेयर्स ऑफ द ब्रेन. नेक्स्ट है हम लोग का एड्रेनल ग्लैंड, ये किडनी के टॉप पे होता है एज अ कैप, सो इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी. एक्रोसोम, ये भी स्पर्म के टॉप पे होता है, तो स्पर्म के हेड के टॉप पे होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म. नेक्स्ट इज एमनियन. एमनियन का काम क्या है, ये बेबी को प्रोटेक्ट करता है, एम्ब्रायो को. तो बेसिकली ये कहा होता है यूटरस में, ठीक है ना. वैसे लोकेशन बताने के लिए तो यूटरस हुआ, सो इट इज प्रेजेंट इन द यूटरस अराउंड द एम्ब्रायो. इसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो मेंशन करने का यहां जरूरत नहीं है. मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स क्या होते हैं, दे आर टाइप ऑफ WBCs, वैसे तो दे आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, बट क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया कि किस वक्त. तो जब प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो वो बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, और प्रोड्यूस होने के बाद वो ब्लड प्लाज्मा में होते हैं, तो अपने दोनों मेंशन कर देते हैं. They are present, monocytes are WBCs, that are type of WBCs that are present in blood plasma but are produced in bone marrow. Question 1, part E. So, ये सब हम लोग को given है, काफी सारे terms, और हम लोग को इनको एक logical sequence में arrange करना है. तो अगर first वाला देखोगे तो cell division का पूरा feel आएगा. तो सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या आता है, इंटरफेस, उसके बाद आएगा प्रोफेज, फिर आएगा मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज. सेकेंड वाला जो है वो स्पर्म कैसे ट्रैवल करेगा फॉर फर्टिलाइजेशन. तो सबसे पहले स्पर्म आएगा, ठीक है. तो स्पर्म जाएगा कहां पे, वजाइना, वजाइना के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूटरस, और यूटरस के बाद फाइनली ओविडक, जहां पे फर्टिलाइजेशन होने का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट है हम लोग का साउंड कैसे ट्रैवल करेगा. तो सबसे पहले पिना हमारा साउंड को कलेक्ट करेगा, वो जाएगा ऑडिटरी कैनाल में, फिर जाएगा ईयर ड्रम जिसको टिम्फैनम बोलते हैं, उसके बाद वो ईयर ऑसिकल्स में जाएगा, और फाइनली कॉकलिया में रीच करेगा, जिससे हमारे ब्रेन में ऑडिटरी नर्व्स इनको सिग्नल सेंड करेगा. नेक्स्ट वाला हम लोग का बता रहा है कि ब्लड एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे फ्लो करता है. तो पहले एओर्टा से ट्रैवल करता है ब्लड, बॉडी से होते हुए रेनल आर्टरी में जाता है, रेनल आर्टरी से होते हुए किडनी में जाता है, किडनी उसको प्यूरिफाई करता है, और फिर उसको वापस रेनल वेन में डाल देता है, और रेनल वेन उसको वापस पोस्टीरियर वेना कावा में ले आता है. वैसे तो यहाँ पे दोनों टाइप का वेना कावा गिवन ही नहीं है, पोस्टीरियर वेना कावा इज बेसिकली इंपीरियर वेना कावा, नीचे वाला बॉडी के लिए. नेक्स्ट इज हमारा जो नर्व इम्पल्सेज है वो कैसे ट्रेवल करता है. तो सबसे पहले एक जो न्यूरोन है उसका डेंड्राइट उनके नर्व इम्पल्स को पिक करता है, वो डेंड्राइट से साइटोन में जाता है, ठीक है, जो कि हमारा सेल बॉडी होता है. उसके बाद वो नोड ऑफ रणवीर से ट्रेवल करता है, बेसिकली एक्सॉन हो गया, नोड ऑफ रणवीर से ट्रैवल करता हुआ एक्सॉन एंडिंग्स तक पहुंचता है. एक्सॉन एंडिंग से वो साइनैप्स से ट्रैवल करके वापस एक दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, उसका डेंड्राइट्स पिक करेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना. क्वेश्चन वन पार्ट एफ. हर सेट में से ऑड टर्म फाइंड आउट करना है, और बताना है ये जो बचे हुए टर्म्स है ये किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. वो मत बता देना कि ये जो नया टर्म जो तुमने ऑड वन आउट किया वो किस कैटेगरी में, तुमको सिर्फ ये बताना है कि बचे हुए टर्म्स किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. तो पहला वाला में ऑब्वियसली ऑड वन आउट लिम्फोसाइट्स है, क्योंकि बाकी वाले सब में ग्रैन्यूल्स होते हैं और इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते. तो तुम लिख सकते हो अदर्स हैव ग्रैन्यूल्स, द लिम्फोसाइट्स डू नॉट हैव ग्रैन्यूल्स. तुम सिर्फ अदर्स हैव ग्रैन्यूल्स लिखोगे तो भी चल जाएगा. नेक्स्ट वाला में पल्मोनरी वेन है, क्योंकि बाकी सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और सिर्फ पल्मोनरी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. नेक्स्ट इज वैसोप्रेसिन, क्योंकि बाकी सारे प्लांट हार्मोन है और वैसोप्रेसिन ह्यूमन हार्मोन, एनिमल हार्मोन हो गया. पेट्रोलियम. नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज पेट्रोलियम, क्योंकि अदर्स रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं और पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। और लास्ट वाला हो गया पेपर, क्योंकि पेपर बायोडिग्रेडेबल है और अदर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है ना। तो अदर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्वेश्चन वन पार्ट जी। सो डायग्राम को देख के साफ समझ में आ रहा है, ये सनलाइट के वजह से इस तरफ बेंड किया, तो ऑब्वियसली ये फोटोट्रॉपिज्म है, ठीक है ना। तुम चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो, द ट्रॉपिक मूवमेंट शोन बाय द शूट्स इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड बाय द रूट्स इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, बट सिर्फ फोटोट्रॉपिज्म लिखने से भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टिमुलस क्या है। सो स्टिमुलस ऑब्वियसली सनलाइट है, किस हॉर्मोन की वजह से हुआ, ऑक्सिन के वजह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है उस ऑक्सिन का हम लोग को रोल एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली ये जो ये क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये ऑब्वियसली 2 मार्क्स का है, क्योंकि पूरा रोल एक्सप्लेन करने के लिए मार्क्स मिलेगा, और तुम देख सकते हो 5 नंबर में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन पे तो पक्का 2 मार्क्स है। सो इसी क्वेश्चन पे पक्का वो 2 मार्क्स है। सो ऑक्सिन क्या होता है, बेसिकली सिर्फ शूट का एक्सप्लेन करना है, रूट का नहीं। सो बेसिकली ऑक्सिन कहां सीक्रीट होता है, दोनों साइड में जहां पे ग्रोइंग पार्ट होते हैं। तो ऑक्सिन क्या होता है, जहां पे सनलाइट होता है वहां पे ऑक्सिन थोड़ा कम सीक्रीट होता है, और जहां पे सनलाइट कम होता है वहां पे ऑक्सिन, जहां पे शेडेड रीजन होता है वहां पे ऑक्सिन ज्यादा सिक्रीट होता है। सो बेसिकली अगर ये एक शूट है और यहां से सनलाइट आ रहा है, सो बेसिकली क्या होगा, ऑक्सिन यहां पे ज्यादा सिक्रीट करेगा, जिसके वजह से ये वाला पार्ट क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा। जहां पे शूट में ऑक्सिन जब भी सिक्रीट होता है वो उसको लंबा करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली शेडी रीजन वाला पार्ट लंबा हो जाएगा और जो लाइटेड रीजन वाला पार्ट है वो कम लंबा होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, प्लांट टेढ़ा हो जाएगा और वो शूट लाइट की तरफ बेंड कर जाएगा। क्वेश्चन वन पार्ट एच। मैच द फॉलोइंग में बेस्ट होता है कॉलम वन लिखो, कॉलम टू लिखो, पूरा प्रॉपर टेबल बनाओ, कॉलम वन के जो मटेरियल है वो तो लिखो ही, और कॉलम टू में राइट आंसर्स लिख दो, ठीक है ना। इससे टीचर को पता चल जाएगा इसका राइट आंसर ये है। वो ऐसे बचपन में वैसे डायग्राम बनाते वो सब मत बनाना लाइन साइन, ठीक है। सो डायबिटीज मेलिटस, ये ऑब्वियसली हाइपरग्लाइकेमिया होगा, क्योंकि जब शुगर ज्यादा हो जाता है बॉडी में, ग्लाइकोजन ज्यादा हो जाता, बेसिकली ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, तभी हम लोग को डायबिटीज मेलिटस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस, ये होता है एडीएच के कम सिक्रीशन से, कम मतलब हाइपो, सो हाइपो सिक्रीशन ऑफ एडीएच। क्रेटिनिज्म, ये बेसिकली थायरॉक्सिन के कम सिक्रीशन से होता है। इंसुलिन शॉक, ये जब तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा तो यू विल गो इनटू इंसुलिन शॉक। और लास्ट इज एक्सोथाल्मिक गोइटर, ये तो ऑब्वियस बात है गोइटर है, तो ये तुम्हारे थायरॉक्सिन के ज्यादा सिक्रीशन से होता है, तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन।